फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं आपके लिए मीठे की रेसिपी, जो है खजूर के रस के गुड़ का रेसिपी। ये है वो गुड़ जो खजूर के रस से बनता है। ये गुड़, ये भी टूट गया है, लेकिन ये कटोरी जैसा बना रहता है। ये है वो गुड़। इसका आज हम खीर बनाएंगे। इसके लिए ले लेंगे हम ये चावल। ये नॉर्मल चावल है जो हम घर में खाते हैं, वही वाला चावल है जिसको हमने आधे घंटे के लिए सोख करके रखा हुआ था। और ले लेंगे ये ग्रेटेड कोकोनट। ये कोकोनट है हमारे पास। और ये भीगा के रखा हुआ हमारा काजू किशमिश ये है, इसको भी हमने सोख करके रखा हुआ है ताकि ये फूल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा ये इधर रखा है दूध। ये 2.5 लीटर दूध है जिसको हमने सुखा करके आधा कर लिया है। ये दूध है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चावल है इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये मिला लिया है हमने। अब इसको हम दूध में डाल देंगे। चलिए डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों, ये चावल और दूध को हम अच्छे से पका लेंगे। चावल को हमने आधे घंटे पहले सोख करके रखा हुआ था ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। तो इसको हम हिलाते हुए पका लेंगे। ये थोड़ा पक जाए, इसके बाद हम मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, खीर हमारा लगभग बनके तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ग्रेटेड कोकोनट। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। हमारे काजू किशमिश जो हमने भिगो के रखे हुए थे। अब इन सबको हम और थोड़ा अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, खीर हमारा बनके तैयार है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि खीर बना रहे हैं, मीठा तो डाला ही नहीं। तो ये भी हम बताते हैं, आप चाहे तो इस स्टेज पे आप चीनी डाल करके अपना खीर जो है इसी तरह खा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है। हम गैस के फ्लेम को अभी बंद कर देंगे और 2 मिनट बाद हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे, क्योंकि गरम गरम अगर इसी में हम गुड़ डालेंगे तो इसमें दूध के फटने का डर रहता है। तो हम 2 मिनट के लिए गैस को बंद कर देंगे, इसके बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो चलिए 2 मिनट के बाद आते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये गुड़ डाल देंगे और ये गुड़ डाल के हम अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो चलिए मिलाने के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, गुड़ हमने अच्छे से मिला लिया है। देखिए, अब इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, खीर हमारा बन करके तैयार है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।